लक्ष्मण को शक्ति लगी तो रघुबर भय उदास। जी कहने लगे जो महावीर के पास, वेद सुकेन की वार्ता भाई बिल्कुल को ना झूठी। गुण लिया गो रात रात में आसर जीवन ओटी लंकाऊ। वेदराज ने उठा लिया, लाड़ दिखाया लक्ष्मण जी ने। केवल लागा वेदराज की, सुनो सुनो हकीकत सारी, क्यों होते हो राम दुखियारी। भाजी कोई द्रोणागिरी पे जावे सरजीवन बूटी लेकर आवे, तब जाएगी मूर्छा सारी, क्यों होते हो राम दुखियारी। तो भगवान श्री राम कहने लगे कि हो सब लाए पवन सुत बल बुद्धि के निधान, पहले लाओ औषधि फिर लखन जी लाओ। कहने लगे कि अब तो कर्जो कर दिया, एक कर्जो और कर दिया मेरा भाई, क्योंकि दुखी हो रहे थे कि मैं बिना तुम्हारे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा। माता पूछेगी लखन खान तुम्हें क्या कह समझाऊंगा। तो एक भगवान श्री राम बालाजी महाराज को कह रहे थे और कैसे भक्त लोग सुन रहे थे ऐसे भजन, कहीं कहीं पर ही सुने जाते सुनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसी सभा आजकल कम चल गई। आजकल का तो नवयुग सिस्टम हो, मैं तो पहले देख लिया बाबा जी और पहले बैठ गया, हाँ तुमको भी अड़ गए भजन सुनाओ, फिर आगे थारी इच्छा की बात है भाई, पांच पसंद हो जाए। बोले बालाजी महाराज की जय हो। भगवान श्री राम कहने लगे क्या ओ जी माने आज बचाओ महावीर। अब सुमरा बाबा बजी रंगीने माने आज बचाओ महावीर हो। सुमरा बाबा बजी रंगीने ओ माने आज बचाओ महावीर। सुमरा बाबा बाड़े ले जोरे लते मणे तिरा तने में। हे भैया
यामत जी कहने लगे कि बजरंग आज तुझे क्या हो गया। कहते हैं कि भाई सप्त ऋषियों का श्राप कि जब जब कोई कार्य पड़ेगा तू अपना बल भूल जाएगा हनुमान। इसीलिए बालाजी महाराज एकदम मौन हो गए, मन में विचार करने लगे कि मेरे पास तो क्या शक्ति है, मैं कैसे जाऊंगा और कहां जाऊंगा पता नहीं। तो जामवंत जी कहने लगे हाँ I'm not afraid.
गाते हैं और बताया कवि ने अंत में सुखी राम जी की है कविता लिखी हुई है। हाँ, संत शिरोमणि हनुमान सर जीवन लाए, हनुमान सर जीवन लाए, लक्ष्मण जी ने गोल पिलाए, अरे लक्ष्मण जी को गोल पिलाए, सुखी राम बासा में गाए, राम बासा में गावे। ओ जी अब ऊठ मिला जी दोनों वीर ओ सुमरा बाबा।